एक बार मैंने किसी पुस्तक में हृदय को छूने वाली कहानी को पढ़ा। वह कहानी एक विद्रोही पुत्र की थी, जो घर से भागकर डाकुओं के एक झुंड में मिल गया था। वह जंगल में रहने लगा था। वह डाकुओं के समान क्रूर और खूंखार हो गया था। उसके लिए मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं थी। कत्लेआम करना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। प्रतिदिन उसके बुरे कारनामों की खबरें पिता को मिलती रहती थी, मगर इन सब के बावजूद वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह दिन रात उसके घर वापस आने की प्रतीक्षा करता था। एक दिन उसने अपने नौकरों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि मेरे पुत्र के पास जाकर कहो कि यदि वह अपने गुनाहों से भरे जीवन को छोड़कर सच्चा पश्चाताप करे और घर को लौट आए तो उसके सारे अपराध क्षमा किए जाएंगे और मैं उसे अपने घर में फिर से स्वीकार कर लूँगा। लेकिन उसके नौकरों ने भयानक जंगल और क्रूर डाकुओं के भय से उसके पास जाना नहीं चाहा। अंत में उस लड़के का बड़ा भाई, जो पिता के समान ही उससे प्रेम करता था, प्रेम और क्षमा का संदेश लेकर स्वयं चल पड़ा। परंतु जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, डाकुओं का दल उस पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उस दल के साथ उसका छोटा भाई भी था। जब उसने अपने बड़े भाई को पहचाना तो उसका मन शोक और पछतावे से भर गया। बड़े भाई ने मरने से पहले उसे पिता द्वारा भेजे गए प्रेम और क्षमा के संदेश को दे दिया और कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। बड़े भाई के इस बलिदान का उस विद्रोही युवक पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह पश्चातापी हृदय के साथ अपने पिता के पास लौट गया और उसी दिन से एक नया जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पिता ने उसे क्षमा किया और अपने परिवार में फिर से ग्रहण कर लिया। प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी ऐसा ही है। वह हम सब से बहुत प्रेम करता है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस मृत्यु के बलिदान को और प्रेम के संदेश को ग्रहण करके उसके पास लौट आते हैं, अपने सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और पापों से मन फिराते हैं, तो वह हमें ग्रहण करता है और अपनी संतान बना लेता है। बाइबल मनुष्य की समस्या और उससे छुटकारे के लिए परमेश्वर के उपाय के बारे में यह बताती है। मनुष्य पापी है, रोमियो अध्याय 3:23-24। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। पाप की समस्या से छुटकारे के लिए परमेश्वर का उपाय, यूहन्ना अध्याय 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 1:18। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। लूका अध्याय 19:10। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचें कि आप परमेश्वर के द्वारा खोज लिए गए हैं या आज भी भटके हुए हैं। यदि आप भटके हुए हैं तो उसी भटके हुए पुत्र के समान अपना मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। वह
अपनी संतान आपको बना लेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे।